जयकारा लिपकोट वाले विशाल बाबा जी का वो सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति जी महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। जयकार पूर्ण हरि जी का वो साचे दरबार की जय। जी सभी बोलो जी जय श्री बाबा जी की। तेरा फूलों से सजाया दरबार गजानन जाया 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 ज
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
जो श्रद्धा लेके दर तेरे ते आवे बाबा जी, ओ कदे भी दुखी नहीं होम दे। जयकारा मेहरा वाले बाबा जी का बोलिए सच्चे दर जी, सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। अही बख्श दातो कीते होए कसूर दाते आरे, ही बख्श दातो कीते होए सानू चरणा जो करी ना तो दूर दाते सानू Thank you.
जयकार पूर्ण गाले महाराज जी का। जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी, जयकारा शाकलन बलगाव जी का। जयकार माय रत्नों के लाल जी का। जी सारे बोलो जी, मेरे बाबा जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे बाबा जी तुसी मेहर करो, मेरे बाबा जी तुझे।
Thank you.
जयकार बाबा जी महाराज जी का। जी सारे बोलो जी। सीनिया बाले बाबा जी का। जयकारा माता रत्न जी के लाल जी का। जी सारे बोलो जी। केड़े पत्तन मल्ले मल्ले ओई ना जोगिया। मल्ले मल्ले ओई ना जोगिया। केड़े पत्तन मल्ले मल्ले ओई ना जोगिया। धर्म द्वारे मल्ले मल्ले ओई ना जोगिया। जी होली बाले महाराज जी का।
जी सारे बोलो जी। गल सुन ले पहरेदारा, जोगी बिना साडा नहीं गुजारा। गल सुन ले पहरेदारा, जोगी बिना साडा नहीं गुजारा। राजी कर लेन दे गुफा मोरे खड़के, गुफा मोरे खड़के एक सेल्फी कर लेन दे गुफा मोरे खड़के, गुफा मोरे खड़के एक सेल्फी। एक सेल्फी कर लेन दे गुफा मोरे खड़के, गुफा मोरे खड़के। बाबा जी ने भगत प्यारे चल पंजाब तो आंदे, जोगी जी ने जुतियां पाके सर ते आप बुलाए। दसो से योनी मेनो दसो हाल नी, कि मैं करा गल पुण हरी नाल नी।
सोने में रोज मिलती है, लेकिन आंखें खुली के नजर आती। भगवान जी क्या है? अनुभवी ही तो भगवान जी है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनका एहसास होता है। जयकारा कलाकारी जी का, जी सारे बोलो जी। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की, बोलिए श्री बाबा जी महाराज की, साचे दरबार की जी। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। आज बाबा जी की इस महापावन कथा का बहुत है। आइए बड़े प्रेम से कथा निशन करते हैं। जय कारा मेहरा बाल स्वामी जी का, जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। पौनाहारी कहलाना। जब गोरखनाथ जी को अपने हर प्रयत्न में सफल देखा तो बाबा जी ने गोरखनाथ जी से कहा, अगर तुम मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हो तो जल्दी करें, नहीं तो मैं आपके हाथों से निकल जाऊंगा। एक बार फिर सभी शिष्यों ने बाबा जी को चारों ओर से घेर लिया। जब पकड़ने लगे तो बाबा जी चिलकारी मार कर उठ गए और सीधे धौलगिरी पर्वत पर पहुँच गए। तभी से बाबा जी का नाम पौनाहारी जी पड़ गया। बाबा जी का गुफा में प्रवेश। श्री बाबा जी महाराज गुफा में जब प्रविष्ट हुए, देखते हैं कि उस गुफा में एक बड़ा भारी राक्षस पहले से ही बैठा है। बाबा जी ने राक्षस जी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करते हो? राक्षस जी ने उत्तर दिया, राक्षस हूँ और इस गुफा में सदियों से रह रहा हूँ। यह मेरा घर है, आप मेरे घर में क्यों दाखिल हुए? बाबा जी ने उत्तर दिया, ए राक्षस, यह तेरा घर नहीं है, ये तो महात्माओं का तप स्थान है, अतः तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब बाबा जी क्या करते, वे तो जाने जान थे। एक थप्पड़ राक्षस जी को मारा, थप्पड़ लगते ही वह गिर पड़ा और उसका सिर बाबा जी के चरणों से छू गया। चरण छूने से उसे पिछली याद आ गई। वह बहुत खुश होता है और बाबा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, महाराज जी वह दिन आ गया है जिसका कि मुझे इंतजार था, आज मेरे भाग्य जाग उठे हैं। इतना कहकर खुशी के आंसू बहाने लगा। राक्षस जी का पिछला हाल। वह राक्षस पिछले जन्म में एक मनुष्य था जो कि हिमालय में रहा करता था। एक समय की बात है कि वह जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गया हुआ था। एक ऋषि जंगल में तपस्या में मगन था। इसने ऋषि को आज दी, ओ ब्राह्मण देवता, आंखें मूंद कर क्या करता है? ऋषि ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। दुर्भाग्यवश यह मनुष्य अपनी दुष्टता से नहीं टला और लकड़ियां उसे ऋषि पर फेंकने लगा। अंत तंग आकर ऋषि ने आंखें खोली और क्रोध में आकर कहा, मनुष्य को श्राप दे दिया कि ये दुष्ट, तूने मेरा तप भंग किया है, जा तू राक्षस हो जा और चिरकाल तक राक्षस योनि में ही पड़ा रहेगा। यह सुनकर बड़े घबराया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज जी मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस नरक में ना डालिए। ऐसा कहते हुए अपने सिर को ऋषि के चरणों से नहीं हटाया। अतः ऋषि के मन में दया आ गई और बोला, ए मानव, जो शाप तुझे मिलना था मिल चुका है, परंतु तुझे एक रियायत देता हूँ, राक्षस योनि में दृश्य जाएगा और एक गुफा में बंद रहेगा।
किंतु कलयुग में तेरा उद्धार होगा। एक बालक देव महात्मा उस गुफा में दाखिल होंगे, उनके चरण छूने से तेरा उद्धार होगा। कलयुग में उस महात्मा पुरुष की बड़ी मान्यता होगी, साथ ही तेरा नाम भी बड़ा प्रसिद्ध होगा। यह आदमी ऋषि को प्रणाम करके अपने घर चला गया। चिरकाल पश्चात यह मनुष्य राक्षस योनि में चला गया, उस गुफा में बंद रहने लगा। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। बाबा बालकनाथ जी के आने पर उसका उद्धार हो गया। जो बाबा जी की अभी गुफा है ना प्रेजेंट में, जहाँ माथा टेकते हैं, यहाँ पहले राक्षस जी रहते थे, तो बाबा जी ने अपनी महादिव्य लौकिक शक्ति से उसे बाहर निकाला था, फिर वहाँ अपना आश्रम लगाया था। राक्षस से बाबा जी ने पूछा कि तू अब क्या चाहता है? तो राक्षस बोला, महाराज जी मैं केवल आपका दास बनना चाहता हूँ। तब बाबा जी बोले कि तू भी वायु की भांति हो जाएगा। अब जैसे बाबा जी है ना, तो बाबा जी भी एक वायु है, हवा है, तो जो राक्षस है उसको भी वरदान दिया कि तू भी हवा की भांति ही हो जाएगा, सामने नजर नहीं आएगा। जब और अब यहाँ बहुत भक्तजन आएंगे, मेरे लिए रोट प्रसाद और धूप की भेंट होगी, किंतु स्मरण रहे केवल भावना की भेंट ही तेरे को होगी। जिस प्रकार मैं भावना का भूखा हूँ, उसी प्रकार तू भी भावना का ही भूखा रहेगा। भक्षण करने की आज्ञा नहीं होगी। राक्षस हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आंसू बहाने लगा। राक्षस का जो शारीरिक आकार परिवर्तित हो गया। बाबा बालकनाथ जी ने गुफा से निकलकर पहाड़ की चोटी पर आसन जमा लिया और एक ध्वजा गाड़ दी, जिसका पहरेदार राक्षस नियुक्त किया गया और बाद में बाबा जी की बड़ी मान प्रतिष्ठा होती है। बहुत दूर दूर से भक्तजन दर्शनों को आते हैं, बाबा जी के लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं भेंट करते हैं और राक्षस देव के लिए बकरा भेंट करते हैं। जो आज बकरा चढ़ाया जाता है खुद में, वो बलि प्रथा तो निषेध है, लेकिन बकरा की जो जब बिजता है राक्षस, उसकी वासना से ही संतुष्ट हो जाता है। बाबा जी के जाने के पश्चात माता रत्नों जी और गौएं सात लाई में उदास रहने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। एक दिन रत्नों घर में बैठकर बाबा जी को याद करने लगी। उसी समय बाबा जी ने प्रकट होकर पूछा, माता जी तुम क्यों रोती हो और मुझे किस कारण याद किया? माता जी कहने लगी, बेटा तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। बाबा जी ने कहा, माता इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और इंसान बेकार की ही मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो तो प्रभु जी की भक्ति करो। मैं तो एक साधु हूँ, साधु कभी किसी से मोह नहीं करते हैं। मैं फिर वचन देता हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगी इसी तरह मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। बाबा जी ने अपनी दिव्य भक्ति से रत्नों को ज्ञान दिया और रत्नों जी भक्ति में लीन हो गई। उसे साधारण बेटा न समझकर ईश्वर का अवतार समझने लगी। बाबा जी आगे, जयकारा माता रत्नों जी के लाल जी का। भगत बनारसी दास को दर्शन देना। जो ये पेठ थी ना, जिथे बाबा जी की गुफा है, ये बनारसी दास जी की थी। पहले कुछ नहीं होता था यहाँ पर, जब बाबा जी आए तभी इस जगह की कीमत पड़ी। कभी बोलते तो हैं मेरे बाबा जी का चिमटा कितने बजिया जितने बजिया लहरा बहरा हो गई, तो वो धरती भी पवित्र हो जाती है जहाँ बाबा जी का वास होता है। बनारसी दास नामक चरवाहा धौलगिरी पर्वत के पास ही अपनी गौएं चराने आया करता था, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव का रहने वाला था। एक दिन बाबा जी ने दया रूप होकर बनारसी दास को प्रत्यक्ष दर्शन दिए।
उन्होंने उसे गूढ़ ज्ञान की साक्षियां सुनाई। एक दिन बाबा जी ने उससे दूध मांगा। बनारसी दास जी ने कहा, महाराज जी मेरी से भी गौएं ओसर हैं और दूध देने के योग्य नहीं है। बाबा जी ने गौओं को आज भी, जब गौएं बाबा जी के पास आई तो बनारसी दास को शेर के रूप में दिखाई दी। बनारसी दास डर कर घबरा गए, सोचने लगे मेरी गौओं को या शेर खा गया है। जब बाबा जी ने गुफा के पास बोर्ड के नीचे आसन लगाया तो सभी शेर चीते उनको नमस्कार करके चले गए। बाबा जी ने अब बनारसी दास को अपनी गौओं को आवाज देने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी गौएं भैंसे बनारसी दास जी के पास आकर इकट्ठी हो गई। बाबा जी ने सभी की पीठ पर थापना दी और वह सभी दुधारू हो गई, दूध देने वाली भैंसे बन गई। बाबा जी ने उससे कहा, तुम्हारी गौएं और भैंसे हमेशा ही दूध देती रहा करेंगी। इस प्रकार बनारसी दास जी ने बाबा जी की शक्तियों और चमत्कारों को कई बार देखा है, वह उनका प्रथम सच्चा सेवक बन गया। बाबा जी ने कहा, जिसको भी मेरे धुने से एक चुटकी भगवती की दोगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी तरह एक साधारण चरवाहा भक्त शिरोमणि भक्त बनारसी दास के नाम से कहा जाने लगा। जयकारा गुफा देवासी जी का, जयकारा घोड़ा बाले बाबा जी का, जी सारे बोलो जी, जी आए बोले।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.